अलवर शहर के कंपनी बाग में सेठ सांवरिया मित्र मंडल की ओर से श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्याम बाबा का भव्य दरबार सजाया गया। बाहर से आए कलाकारों ने श्याम बाबा के भजनों की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। चंडीगढ़ से कन्हैया मित्तल, वृंदावन से साध्वी पूर्णिमा, अलवर से प्रेम सिंह राठौड़, महेंद्र अमन ने अपने भजनों से भक्तों को भाव विभोर कर दिया। शाम भजनों के दौरान श्रद्धालुओं ने तालियां बजाई, अनेक श्रद्धालुओं ने अपने स्थान पर खड़े होकर नृत्य भी किया। वहीं श्रद्धालुओं ने बांके बिहारी लाल और श्याम बाबा की जय के जयकारे लगाए। श्याम बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी तादाद में कंपनी बाग में भीड़ देखी गयी, जहाँ देर रात तक बाबा श्याम के भजनों का श्रद्धालुओं ने आनंद लिया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मारवाड़ी धरती पे भगवा लहरावांगे, मारवाड़ी धरती पे भगवा लहराएंगे, धोरारी धरती पे भगवा लहराएंगे। देखिए, मैं रोज सुबह उठता हूँ तो रोज सुबह उठकर तीन बातें अपने भगवान से बोलता हूँ कि आज मेरा पहला दिन है और मैं जमीन पे रहूं और भगवान मेरी मदद करना। इस तीन शब्दों के अलावा मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि इस 32 साल की उम्र में भगवान ने कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो मैं अब उससे मांगू। तो मैं जब भी दरबार में खड़ा होता हूँ तो दरबार में जो लोग आते हैं उनके लिए मांगता हूँ, और शायद लोगों की सुनवाई होती है और उनकी झोलियां भरती हैं। और ये इतनी तादाद में भीड़ आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ बाबा के भक्त हैं जिनका प्रेम है बाबा से। एक महत्वपूर्ण बड़ा सवाल है कि देश का हर राजनेता कन्हैया मित्तल को बुलाना चाहता है, वो कौन सा जादू है जिसकी वजह से वो डोर खींची चली आती है? देखिए, ये सच्चाई है। देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके सानिध्य में भारत के अंदर सनातन की वो लहर चल रही है। आज विख्यात से विख्यात, प्रखंड से प्रखंड संत से भी आप पूछेंगे कि वो किसे अपना देश की बागडोर देना चाहते, तो वो भी नरेंद्र मोदी जी का नाम लेंगे। और हम उनके लिए सच बोलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, शायद इसीलिए सभी नेताओं को पसंद आ रहे हैं, इसलिए सब बुलाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कहते हैं जब भी संसद से, जब भी मनोज जी फ्री होते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी फ्री होते हैं, जब आपकी मंडली बैठती है तो वो क्या क्षण होता है, किस तरह आप महसूस करते हैं उस बात के लिए? देखिए, वो पल हम कलाकारों का होता है और हम देश के ऊपर सोचते हैं कि क्या लिखा जा सके, किस तरीके से लोगों को सच्चाई की तरफ दिखाया जा सके। और अभी अलवर आने से पहले भी कैलाश जी का फोन आया कि आज आप अलवर जा रहे हैं, बड़ी अच्छी जगह है, उन्होंने भी बड़ी तारीफ करी। तो ये हमारी चर्चा यही चलती रहती है और कोई बात नहीं। और एक बात और छोटी सी कहूंगा, अलवर की तपोभूमि, महाराज भर्तृहरि की तपोभूमि आपको बार बार बुला रही है, कैसा फील करते हैं और हम लोगों से आप क्या अपेक्षा चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अलवर जो धरती है ये बड़ी तपोभूमि है और दानवीरों की धरती है। राजा भर्तृहरि का भी अगर इतिहास निकाल कर देखेंगे तो इससे बड़ा दान नहीं हुआ। और हर बार अलवर में, मैं पहली बार, मुझे याद है 6-7 साल पहले अलवर एक बार आया था मैं, तब वो कन्हैया मित्तल अलग था, आज कन्हैया मित्तल अलग है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अलवर वैसे का वैसे ही है, अलवर तब भी अच्छा था, अलवर आज भी अच्छा है। मैंने इसीलिए आपसे क्वेश्चन किया था कन्हैया।